सर 16 जून को आदि पुरुष आ रही है और गदर को भी रिलीज किया गया है, तो क्या लगता है गदर आदि पुरुष के सामने टिक पाएगी कि नहीं? और देखिए मेरे हिसाब से टिकने की जहाँ तक बात की है तो टिकने का मतलब क्या होता है कि उसके सामने हिट होगी या फ्लॉप होगी, सीधा सीधा टिकने का मतलब यही नहीं होता है। जी जी। लेकिन आपको भी पता है कि इसको री रिलीज किया गया, मतलब कि इसका जो कलर ग्रेडिंग है, जो इफेक्ट वगैरह जिसको 4K में कन्वर्ट किया गया, तो उसमें कितना बजट लगा होगा? ज़्यादा ज़्यादा 1.5 करोड़ 2 करोड़, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 2 करोड़, हो सकता है कि 1 ही करोड़ लगा हो, ठीक है 4K में कन्वर्ट करने में। जी जी। और इसकी कोई ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च ये वो लॉन्च कुछ तो किया नहीं गया है, सीधा सीधा इफेक्ट डाल के सोशल मीडिया हैंडल पे मतलब ये बता देगा कि भाई इसको रिलीज किया जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि गदर 2 की हाइप बनानी है। तो टिकने की जहाँ तक बात है तो भैया टिकी ही है, क्योंकि देखिए किसी पिक्चर को दोबारा से रिलीज़ किया जाए और उसके लिए हाउसफुल सोच रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। और 9 तारीख से अभी तक में अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा सोच चल रहे हैं कि मतलब इसने अपने 2 दिन में लगभग 15 करोड़ की कमाई कर ली है, जो कि किसी नई पिक्चर के लिए भी मुश्किल होता है, और ये दोबारा से रिलीज हुई है। तो हाँ, क्या लगता है मतलब गदर से फिर फर्क पड़ा होगा आदि पुरुष पर, आपको क्या लगता है? नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा कि देखिए रामायण भी लोगों ने देखी हुई है, ठीक है रामायण भी कई वर्जन बने हुए हैं, चाहे टीवी सीरियल ले लो चाहे फिल्में ले लो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आदि पुरुष में थोड़ा सा जो इफेक्ट डाले गए हैं, मतलब जो उसके क्या कहते हैं उसको, मतलब VFX वगैरह, तो लोग उसको देखने के लिए वहाँ जाएंगे। लेकिन बात गदर की है तो गदर कमाएगी, अच्छा खासा कमाएगी, और ये गदर ना यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, जैसे मेरी उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और ये पसंद होना बनता भी है। अमरीश पुरी को भाई काफ़ी टाइम के बाद किया पर्दे पे, बड़े पर्दे पे हमारे पापा लोगों ने, हमारे चाचा लोगों ने देखा था अमरीश पुरी को, ठीक है जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज का यूथ अमरीश पुरी साहब को देख रहा है उनके दमदार डायलॉग्स के साथ, ठीक है। और सनी देओल का भी भाई वो पंप उखाड़ने वाला टोटली सीन, मतलब कि भले जो हमने टीवी में देखा था वो जो क्वालिटी हमें थिएटर में देखने को मिले ना, बहुत ज़्यादा धांसू।